अस्सलाम वालेकुम, तैयबा ज़िया न्यूयॉर्क से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, या तो आपके अंदर अकल कम है या आप शायद कौम को बेअकल समझते हैं। मैंने अभी आपकी एक कहीं पे कोई बयान सुना है वीडियो पे कि आप पता नहीं किससे पूछ रहे हैं, और वही जो आपका एक इंग्लिश और उर्दू का बड़ा एक ड्रामाई अंदाज होता है, आप उसमें सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनके साथ जो ज्यादती हो रही है, इनके मैयतें पड़ी हुई हैं, इनको फ्लाइटें नहीं मिल रही, इनको दो तीन गुना ज्यादा किराया लिया जा रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप लोग हाक में वक्त हैं, आप लोग साहब इख्तियार हैं, आप लोग साहब इक्तदार हैं, तो आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? मेरे जैसा कोई पूछे, हमारे जैसा ओवरसीज पाकिस्तानी कोई पूछे या कोई आम शहरी पूछे तो कोई कॉमन सेंस भी लगता। आप पूछ रहे हैं कि ये इनके साथ जुल्म कौन कर रहा है? ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए हैं, इनसे तीन गुना की टिकटें कौन खरीदने पे मजबूर है? इनके लिए परवाजें क्यों नहीं चल रही? इनके मैयतें और लाशें पड़ी हैं, ये कौन कर रहा है? ये सफारत खाने नहीं कर रहे, ये हुकूमत भी नहीं कर रही, और फिर साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जी ये वो लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो 10-10 रुपया दे के, 10-10 रियाल, 10-10 डॉलर दे के जिन्होंने पीटीआई बनाई, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज हम हुकूमत पे हैं। शर्म नहीं आती ये एक्टिंग करते? मेरे जैसे मैं एक आम बंदी, हालांकि अपने घर में आराम से बैठ के रोटी खा रही हूँ, लेकिन मैं सारी रात जागती हूँ, मैं सारी रात रोती हूँ कि मुझे इतना दुख होता है ये सोच के कि वो मजदूर जो अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप पाकिस्तान छोड़ के गल्फ में, सऊदी अरब में, इटली में, जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में सिर्फ रोजगार के लिए गया, और आज अगर अल्लाह ताला कुदरत की एक आफत आई तो उसके साथ तुम लोगों ने इतनी संगदिली की और कुर्सी पे बैठ के ऊपर से हमारे उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे और बड़े मासूम बन के पूछ रहे हो कि ये जुल्म उनके साथ कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, शाह महमूद कुरैशी, तुम वजीर खारजा होते हुए ये सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें इमरान खान लेके आया, इमरान खान कमजोर था क्योंकि वो खुद नहीं आ सकता था, वो अक्सरियत लेके नहीं आ सकता था, उसको हमारे अदारों ने साखियां दी, उनको तुम जैसे लोटों ने की जरूरत पड़ी, और फिर तुम्हें पता है कि चंदे की क्या वैल्यू होती है। तुम आज कह रहे हो कि ये चंदा जो ओवरसीज हमें देते रहे उनकी वजह से हमें, तुम्हें चंदे की वैल्यू पता है क्योंकि तुम वकाफ खाते हो, तुम चंदे खाते हो मजारों के, दरगाहों के, पीरी फकीरी के नाम पे तुम मासूम शहरियों से चंदे लेते हो, और उस चंदों पे तो टैक्स भी कोई नहीं होता, उस चंदे पे तो नैब भी नहीं पकड़ सकती क्योंकि वो अकीदतमंद ब्रेन वॉश तबका देता है, और जिन चंदों से फिर तुम लोग इलेक्शन लड़ते हो और कुर्सियों पे आते हो, और कुर्सियों पे एक बार नहीं कई कई बार आते हो, और हर हुकूमत के साथ लोटा बन के आते हो, और आज सवाल ये पूछ रहे हो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में कि उन वो जो फंसे हुए हैं, जो अपने वतन वापस नहीं आ पा रहे, जिनके लिए परवाजें जारी नहीं की जा रही, एक इंडिया ले गया बहरी जहाज, इंडिया बहरी जहाजों पे उनको आधी टिकटों पे लेके जा रहा है परवाजों पे, पूरी दुनिया अपने शहरियों को निकाल रही है, वाहद पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है मेरे कायदे आजम का, जिसमें तुम जैसे लोग धोखेबाज और गद्दार बैठे हुए हैं, कुर्सियों के मजे भी लूटते हैं, इक्तदार के मजे भी लूटते हैं, और फिर आके मासूम बन के पूछते हैं कि ये कौन कर रहा है? सब्र करो, ये वक्त गुजर जाना है। ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हमारे स्टूडेंट्स और मजदूर फंसे हैं, अन करीब वो पाकिस्तान में होंगे, और तुम्हारा अगला इलेक्शन भी आएगा, हिसाब सारा चुकता कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।